नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया चावल का क्रिस्पी नाश्ता लेकर आई हूँ। यदि आपको चिप्स, पापड़, कुरकुरे कुछ खाने का शौक है तो ये रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। चावल से बहुत ही आसानी से हम घर पर इंस्टेंट कोल्ड बना सकते हैं। इसे बनाकर आप साल भर स्टोर करें और जब मन चाहे तब इन्हें फ्राई करें और एंजॉय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। सबसे पहले एक बर्तन में हम 2 कटोरे पानी के लेंगे और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वही 2 कटोरे लिए हैं जिससे मैंने चावल का आटा नापा है। तो 2 कटोरे चावल के आटे में 2 कटोरे हम पानी लेंगे और इसे अच्छे से बॉईल करने से पहले हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। साथ ही हम यहाँ पर 1 चम्मच पापड़ खार डालेंगे। यदि आपके पास पापड़ खार नहीं है तो आप खाने वाला सोडा भी सेम क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद में एक अच्छा सा इसमें बॉईल आने दें। और बॉईल आने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें 2 कटोरे हम यहाँ पर चावल का आटा डालेंगे। तो इस तरह से चावल का आटा डालने के बाद में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखें। 2 कटोरी आटे में 2 कटोरी हम यहाँ पे पानी डालेंगे। अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं ताकि इसे अच्छे से हम मिक्स कर सकें, क्योंकि गैस पे थोड़ा स्लिप हो रहा है। तो इसे नीचे उतार कर आप बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पर हमें यहाँ चावल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक डो जैसा बना लेना है। तो इस तरह से आप इसे चम्मच से हिलाएं। यहाँ पर ये पानी बहुत गर्म है तो आप थोड़ा ध्यान रखें, हाथ से इसे ना करें। इसी तरह चम्मच से हम इसे मैश करते हुए मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसे कवर कर देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। तो 5 मिनट के लिए इसे हम ढककर साइड में रख देंगे। अब 5 मिनट के बाद में हम इसे खोलेंगे। चावल का आटा थोड़ा पक गया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी भी चावल का आटा काफ़ी गर्म है तो इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बड़े बर्तन में या परात में, ताकि हम इसके बड़े बड़े बॉल्स बना सकें। हमें इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखें अभी भी काफ़ी गर्म है तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, पर हमें इसे इसी समय इसे करना है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा और हम इसे बॉल्स नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इसे गर्म गर्म में ही करना है। तो हो सके तो आप यहाँ पे चम्मच का ही इस्तेमाल करें। आप कोई लकड़ी का स्पैचुला भी ले सकते हैं और यदि आप ग्लव्स पहनकर इसे करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पर इसे हमें बनाना गर्म गर्म के टाइम ही है। अब हम इसे थोड़ा सा हाथों से मैश करेंगे। ये काफ़ी गर्म है और मैं इसे एकदम हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए इस तरह से आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा अनईजी हो रहा है। तो इस तरह से हम बड़े बड़े बॉल्स बना लेंगे और बीच में एक गड्ढा कर देंगे, जिस तरह से हम डोनट्स बनाते हैं या फिर हम मेदू वड़े बनाते हैं। इसी तरह के हमें ये बॉल्स बनाकर और बड़े बड़े पेड़े से बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो इस आटे के करीब मेरे पास में ये 3 बॉल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये बना लिए हैं। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए मैंने कढ़ाई में पानी गर्म कर दिया, रिंग रख दी, प्लेट रखा और उसमें ये तीनों मैंने ये बॉल्स को इस तरह से रख दिया है। अब हम इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से स्टीम होने देंगे ताकि चावल अच्छे से पक जाए। तो चावल काफ़ी अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब हम इन्हें स्टीमर से निकाल लेंगे और निकालने के बाद में हम इन्हें मैश करेंगे। इसे थोड़ा ध्यान से करें और गैस बंद करने के बाद ही आप इन्हें रिमूव करें ताकि हाथ जले ना। अब एक मैशर या फिर कोई भी पाव भाजी मैश करने वाला आप यहाँ पर ले सकते हैं और उससे इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी स्टील का बर्तन लें, उससे भी आप इसे अच्छे से मैश करें। काफ़ी गर्म है और इसी समय हमें इसे यहाँ पर मैश कर लेना है ताकि एकदम स्मूथ बने। ये जितना स्मूथ बनेगा उतनी अच्छी हमारी कोल्ड्राई बनेगी और हम इसे साल भर तक स्टोर कर सकेंगे। तो इसे पकाना भी बहुत अच्छे से है तभी हम ये ख़राब नहीं होगी और सुखाना भी बहुत अच्छे से है ताकि हम इसे साल भर तक स्टोर कर सकें। तो इस तरह से हम इसे मैश करते जाएंगे। अब इस मैशर से सभी एक्स्ट्रा जो चावल का आटा है उसे रिमूव कर दें और हाथों को हम थोड़ा सा तेल से ग्रीस करेंगे और इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसे इस तरह से करें। ये काफ़ी गर्म है अभी भी, मुझसे एकदम से ये हाथ से नहीं हो रहा है, काफ़ी हाथ जल रहे हैं, पर इसे इसी समय करना है। तो हल्का सा तेल लगा लें ताकि ये हाथों पे चिपके ना। और हमें इस तरह से इसका एक ये बॉल सा बना लेना है ताकि हम इसे अच्छे से हैंडल कर पाएँ। और इसे हम इस तरह से बनाने के बाद में एक सेव मेकर में भरेंगे ताकि हम अच्छे से बारीक वाली कोड़ाई बना सकें। तो यहाँ पर ये स्मूथ हो चुका है। इसी तरह से हमें सभी आटे को बना लेना है और ये मैंने सेव मेकर में बारीक वाली जाली डाल दी है। इसमें से चावल के तैयार आटे को अच्छे से भर दें और इसके बाद में हम इसको अच्छे से ढक्कन लगा देंगे और बाकी बचे हुए आटे को हम ढककर साइड में रखेंगे ताकि ये ठंडा ना होने पाए। अब एक प्लास्टिक शीट लें और उसके ऊपर जिस तरह से कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आप पाइप आउट करें। बहुत ज़्यादा इसे थिक ना रखें, नहीं तो ये सूखने में बहुत टाइम लेगा
और बहुत ज़्यादा फैलाएं भी नहीं, नहीं तो इसे फ्राई करने में भी टाइम लगे, क्योंकि जब फ्राई करते हैं तो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो एक से दो राउंड इनफ है। इसे इस तरह से आप पाइप आउट करें, जिस तरह से कि हम चकली बनाते हैं, और इसके एंड्स को इस तरह से तोड़ लें। इसी तरह से कुछ कुछ हम स्पेस देते हुए इसे बना लेंगे, और इसे धूप में करीब 4 से 5 दिन तक खूब तेज़ धूप में सुखाएंगे, ताकि जब हम इन्हें साल भर स्टोर करें तो ख़राब ना हो, और जब मन चाहे तब हम इन्हें फ्राई करके एंजॉय कर सके। ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। जब इन्हें फ्राई करते हम कम खाते हैं तो मुँह में जाते एकदम मेल्ट हो जाती है। इस तरह से बनाने के बाद में हम इन्हें खूब तेज़ धूप में अच्छे से सुखाएंगे। अभी धूप काफ़ी तेज़ आ रही है, तो आप इसे अच्छे से सुखाएं। सूखने के बाद में देखिए इस तरह की हो गई है। अब आप इन्हें साल भर तक किसी भी डिब्बे में, बर्तन में डाल के अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, और जब मन चाहे तब इन्हें फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो मैंने तेल को काफ़ी अच्छे से गर्म कर लिया है, गर्म तेल में इसे डालें और इसे अच्छे से फ्राई कर लें। देखिए कितनी बड़ी हो गई है, ऑलमोस्ट डबल साइज़ में ये हो गई है। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया कुरकुरी और क्रिस्पी बनती है, और आप इन्हें जितना आपको खाना है उसे आप खा सकते हैं, और आप इन्हें फ्राई करके 1 से 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप इस पर चाहे तो अपने पसंद के कोई भी मसाले लगाएं, बच्चों को जो मसाला पसंद है वह लगाएं, और इसे आप एंजॉय करें। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी लगती है, खाने के साथ में इसे आप साइड डिश में रखें, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी बड़ी हो गई हैं। देखिए ये इतनी छोटी थी और फ्राई होने के बाद एकदम डबल हो गई हैं, इवन डबल से बड़ी हो गई हैं। अब मैं इन्हें आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी बढ़िया क्रिस्पी बनी है, और बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इसे बना लेंगे तो हर बार आपका यही बनाने का मन करेगा, और गेस्ट को भी इसे बनाकर ज़रूर सर्व करें। देखिए वाव कितनी क्रिस्पी बनी है, और इसे इसी तरह से बनाकर आप साल भर स्टोर करें, और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।